Olá, Zerazrat! बहुत ही मजा, वेलकम टू अस्ट मनाई, प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। छोटी सी ताली बजाएं। आज मैंने सोचा है कि मैं अपनी सोसाइटी की एक ऐसी कम्युनिटी के बारे में बात करूंगा जिनके बारे में लोगों ने बात करना बिल्कुल बंद कर दिया। वो है आर्टिस्ट कम्युनिटी। आर्टिस्ट वो आर्टिस्ट नहीं जो कैनवस पे पेंटिंग करते हैं या बड़ी बड़ी वो बड़े बड़े एग्जीबिशंस करते हैं, बल्कि वो लोग जो अपने एहसास, जज्बात, वार्निंग्स, गुस्सा, रोमांस सब दीवारों पर दिखाते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की मशहूर ग्रेफिटी कम्युनिटी की, जो वॉल चॉकिंग में मुलव्वस पाई जाती है। आइए देखते हैं पाकिस्तान का मतलब क्या हसीना ब्यूटी पार्लर। शायद ये कहना चाह रहे हो कि पाकिस्तान का मतलब क्या, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं, करप्शन से मुंह काला करा चुके हैं, तबाह कर चुके हैं, तो आपकी मंजिल होनी चाहिए हसीना ब्यूटी पार्लर। अगली जो दीवार थी उस पर हमें नजर आया कि लोग अच्छी बातें भी कर रहे हैं, तलकीन भी कर रहे हैं कि आपस में झगड़े से कमजोरी और बुजदिली पैदा होगी। हो सकता है आर्टिस्ट के बच्चों का नाम हो जो किसी आपस के झगड़े की वजह से पैदा हो गए हों। तनकीद वो भी है, हिदायत भी हैं, अच्छी बातें भी हैं कि निकाह से पहले का मुलाकात करना हराम है। फिर आर्टिस्ट को ख्याल आया कि मुलाकात हो किसकी रही है, तो उसने लड़के और लड़की लिख दिया बाद में। फिर बद्दुआएं भी हैं कि यहाँ पर कूड़ा फेंकने वाले तुझे महीना भर कब्ज रहे। और फिर उसकी एंड गेम भी बताई है कि तुझे लेटरिन में मौत आए। ये कूड़े फेंकने वाले से ज्यादा कूड़े से नफरत लग रही है इनको। दिखाइए अगला क्या है। वाह, ये ऐसा लग रहा है किसी अम्मी ने वॉल चॉकिंग की है। प्यार से लिखा है कि यहां कचरा फेंकना मना है। अगर फेंका ना तो घर से निकाल के साफ कराया जाएगा और मार भी पड़ सकती है। आगे चलाइए, आप यहां कूड़ा मत फेंकिए। होगा भाई, इंसान तो हमारी सुन नहीं रहे, जानवरों से बात करके देखते हैं। और फिर हुआ कुछ इस तरह से कि अगली दीवार पे लिखा मिला ये पाकिस्तान की कुत्ता कम्युनिटी से मैं गुजारिश करूंगा कि आपकी वजह से हम इंसान बहुत बदनाम हो रहे हैं भाई, कचरा फेंक रहे हैं, गालियां में पड़ रही। अब ऐसा है कि दीवारों में से वार्निंग्स, इश्तेहारात नहीं बल्कि गॉसिप भी दीवारों पर हो रही है। ये देखिए, हेडमास्टर अफशां के साथ डेट पे जाता है। यहाँ कोई हेडमास्टर तो नहीं बैठे हुए, अब होंगे भी तो उन्होंने अपने हाथ काबू में कर लिए। आजाद आज के जो हमारे गेस्ट हैं भाई, जब थिएटर में कदम रखा तो बेहतरीन थिएटर आर्टिस्ट बने, ड्रामों में आए तो छा गए, फिल्में की तो सुपर हिट दी, कॉमिक टाइमिंग लाजवाब, ड्रामेटिक एक्टिंग बेमिसाल, अ मल्टी टैलेंटेड मैन। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर यासिर हुसैन। इतनी तारीफ मुझे लगा किसी और को बुला रहे हो लास्ट मोमेंट। थिएटर, ड्रामा, फिल्म, कॉमेडी, लेट नाइट शोज, कभी आपने सोचा कि कोई एक काम ठीक से कर लूं? इस शो पे मेरी नजर है, मुझे लग रहा है मैं बेहतर कर सकता हूं। नहीं, बिल्कुल कर सकता हूं। माशाल्लाह ये शो बड़ा जगमगा रहा है। पिछली दफा जब मैं आया था ऐसा नहीं था यासिर भाई। ये वो जो लास्ट पैसे दे गए उसकी वजह से ये सब स्कीमें आई हैं, सब स्क्रीनें आई हैं। माशाल्लाह कराची में आपने सुना होगा एक स्टोर पे डाका पड़ा, 8 स्क्रीनें गायब हुई हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, ऑन अ सीरियस नोट यासिर भाई, बहुत सारी चीजें की आपने, आप एक मल्टी टैलेंटेड मैन है आप, लेकिन कौन सी ऐसी चीज थी जो सीरियसली बहुत चैलेंजिंग है, थिएटर में से, फिल्म में से, ड्रामे में से, होस्टिंग में से? यार कॉमेडी करना बहुत चैलेंजिंग है, जो तुम काम कर रहे हो वो बहुत मुश्किल काम है। इसमें क्यों मुश्किल है, मतलब मुश्किल क्या है? मुझे पता है, आप भी बताएं। हाँ, मतलब आप कोई जोक करेंगे आपको वो कहेंगे ये तो सेक्सिस्ट है। हाँ। ये तो रेसिस्ट है। और जो कॉमेडी देख के हम बड़े हुए हैं उसमें इसकी कोई आगे पीछे देखा ही नहीं गया कभी, लाइन ही नहीं थी। हाँ, हाँ। कोई लाइन ही नहीं थी ऐसी, सब कुछ खुला हो रहा था। हाँ। पूरी जिंदगी हमने वो सारे लतीफे सुने हैं जिसपे आज भी हम हंसते हैं। और अब वो सब जाके बड़ा मुश्किल हो गया। हमारी बारी आई तो शाहरुख को इल्म आ गया। वो कहते हैं वो पता नहीं, मैं अमेरिका उदो जाने जाते होते भी बुरके चल पैने। अच्छा, मुझे पहली बार मौका मिला अवार्ड फंक्शन में तो कोविड था।
होस्टिंग मिल गई, होस्टिंग मिल गई, बोसा नहीं मिला, बोसा नहीं, बोसा नहीं मिला। अच्छा यासिर भाई, नुमान एजाज मुझे बहुत अच्छे एक्टर लगते हैं, कहते भी हैं मैं हर सीन से पहले वुजू करता हूँ, ये मैंने उनका इंटरव्यू सुना, मगर आपने कहा उनको अब एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए। मैंने कहा, आपने कहा? मैंने क्यों कहा? हाँ, मैंने इसलिए कहा क्योंकि मैंने एक दिन नोमी भाई के साथ बहुत दोस्ती है मेरी, तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने कहा यार मैं कोई शो पे जाता हूँ वहाँ पे सवाल पूछते हैं कि भाई किसको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए, एक तो ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अब सवाल पूछे ही क्यों होस्ट, अब पूछ लिया है तो आपको जवाब भी बैठा रहे होस्ट अब, नहीं नहीं मतलब अगर ये सवाल पूछ लिया है आपने तो ज्यादा कसूर तो आपका है, और मैं जवाब नहीं दूं तो मुझे मिर्चें खानी है, मुझे तेल पीना है, इस तरह की चीजें भी है, तो आपको जान भी बचानी है, आपको अल्सर भी नहीं होना चाहिए और आपको जवाब भी देना है। तो मैंने कहा यार मैं क्या कहूँ, किसका नाम लूँ, सब नाराज होते हैं, तो कहने तू मेरा नाम ले लिया कर, तो जब उन्होंने मुझे इजाजत दे दी तो फिर मैं उनका नाम ले लेता, मैंने कहता भाई इनको छोड़ देनी चाहिए, एक्टर ब्रिलियंट है भाई, वो भाई वो उनसे बड़े ब्रिलियंट एक्टर है, बहुत अच्छे पाकिस्तान में नोमी भाई के लिए दानिया होनी चाहिए। यासिर भाई अब ये ऐसा है कि इतना खर्चा कर रखा है सामने माशाल्लाह, नोट ही नोट बैठे हुए, तो आप इनसे ये आपसे बात करने आइए, प्यारी ऑडियंस, दे हैव क्वेश्चंस, मैं इनकी तरफ बढ़ूंगा और इनसे सवाल लूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा इनसे सवाल है कि लोग बहुत अच्छे सर, आपने तो उस तरह इग्नोर कर दिया जिस तरह पहली बार मेरी वाइफ ने मुझे किया था, आराम किया। इनसे पहला मेरा सवाल है, उधार मांगने आए सर इनसे आप, मैं सवाल, मैंने आपको सलाम पेश किया सर, अच्छा अभी भी कह रहे अच्छा अच्छा तो, किया होगा तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ, पहले मैं बात करूंगा, मैं फिर छोड़ूंगा आपको उनपे। ओके, क्या क्या नाम है सर आपका? शाहिद हयात। शाहिद हयात नाम है सर, क्या करते हैं सर? सर मैं आर्किटेक्चरल फोटोग्राफर हूँ। वाह यार, ये तो बहुत नई चीज है आर्किटेक्चरल फोटोग्राफर, तो आप बिल्डिंग्स की yes, मकामात की तस्वीरें खींचते हैं। यस, वेरी नाइस। अच्छा कोई सवाल लाए हैं सर? पूछे ना। सवाल यही है कि आपके बारे में है कि आप लड़कियों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जबकि हुसन को लोग तारीफ़ करते हैं हुसन की, आप हुसन के खिलाफ क्यों हैं? अच्छा वाह, ये तो नहीं है आप, वैसे हुसन के खिलाफ तो मैं जानता हूँ लेकिन यासिर भाई कहने का मकसद ये है कि वो कह रहे हैं कि आप अक्सर इंस्टा पे जो सवालात या बातें लिख देते हैं वो अक्सर खूबसूरत ख्वातीन के बारे में होती हैं, तो शायद शायद साहब ने दिल पे ले लिया। नहीं नहीं, वो तमाम मेरी पुरानी दोस्तें हैं तो उनसे मैं मजाक करता हूँ बेसिकली। ओके, ऐसा कुछ नहीं है, वो नाराज़ नहीं होती, और वो भी जो कहती हैं मैं उससे मैं भी नाराज़ नहीं होता। अगर आप वो बहुत कुछ कहती हैं मुझे, इजाज़त मांग रहे हैं, अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक एक पैरे में इसको बयान कर दूँ। प्लीज़। जी जी। रंगले चूड़े वाली बाँह फड़ के, मत्थे पई लटन पिछा करके, ठोडी नाल हाथ नाल ठोडी नूं उतां करके, जे पूछ लिया तेरा नाम की है ते तां की है। क्या बात है, वाह सर, ने जिस तरह अपनी, आप बेगम ही है ना सर ये आपकी? जी शुक्र है भाई, मैं समझा कि जी इतनी फ्रेंकनेस में क्या साथ वाली बैठी है, जड़ी वहां पड़ के ते लट नूं वहां करके। अच्छा आंटी, बिल्कुल आंटी ने वो एक्सप्रेशन दी है यासिर भाई, पुरानी पंजाबी फिल्में याद हैं आपके? हाँ जी। जिसमें हीरोइन पागल हो जाती थी, हाँ, बाग में डांस करते करते फन पट पट फन पट, और ना हीरो सिर्फ यूं खड़ा रहता था, इसमें आंटी यूं खड़ी हुई और आंटी हीरो बनी हुई थी। हाँ। आंटी हाँ पकड़ लो। हाँ मेरे ख्याल में अंकल ये आइटम पहले भी कई दफा कर चुके तंग आ गई आंटी ने, खुद ही हाथ ऊपर कर दिया था फाड़ ले। आंटी ने हल्के से पूछा भी कि बाँ वाला आइटम। मगर अंकल कमाल, आपको आपका आपकी मोहब्बत आपकी बेगम के साथ देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता भी यही हूँ कि मोहब्बतें जो है ना वो दिखानी चाहिए, उन्हें छुपाना नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? लारे। कोई सवाल लाई हो तुम? जी मेरा यासिर हुसैन सर से क्वेश्चन है। सर पड़ोसी मुल्क में एक बच्ची पैदा हुई और आपने फौरन ही कबीर के लिए उनका इनडायरेक्ट रिश्ता भेज दिया, इतनी भी क्या जल्दी थी, थोड़ा उन्हें बड़ा तो हो लेने देते। नहीं आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में फैसला कर लिया, आपकी नज़र में अभी कोई और हो तो मुझे बताएं, मैं अपना इरादा बदल भी सकता। चले आगे चलेंगे। अरे थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा रूह तक आपका सलाम पहुंचा।
उकाड़ा से जवाब आ रहा है। वालेकुम सलाम। पूरे खानदान का सलाम आपने मुझे दिया है। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम आयशा है। आयशा क्या करती हो? मैं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। वेरी नाइस। आप देखिए क्राउड में आप स्पेशल एजुकेशन, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग और तेरी बा हर किस्म का क्राउड मौजूद है। ये बिल्कुल मेरे टाइप क्राउड नहीं, इतना पढ़ा लिखा क्राउड आप मेरे जो बोला। हम दोनों आउट ऑफ प्लेस महसूस कर। बिल्कुल, मैं तो शर्मिंदा भी हूँ थोड़ा। सवाल लाओ आयशा। मेरा आपसे ये सवाल है कि देखा भी है और सुना भी है कि आप मिमिक्री काफी अच्छी करते हैं। किस आर्टिस्ट की मिमिक्री आप ऐसे कर सकते हैं कि उसकी बीवी भी ना पहचान पाए? ये बीवी का कहाँ से क्राइटेरिया आ गया है? ये इतना मुश्किल कर दिया ना। बीवी भी ना पहचान पाए। बीवी भी ना पहचान, ऐसा कैसे हो सकता है कि बीवी ना पहचान जाएंगे 5 मिनट में? बिल्कुल भाई, यहाँ पे ना अली मीर साहब होते हैं जियो के साथ सालों से, उनको मिमिक्री करता देख के ना बहुत सारे लोगों का दिल किया कि वो मिमिक्री करें, लेकिन हर कोई उस तरह से कामयाब नहीं हो सकता। और अली साहब से अच्छा मिमिक पूरे पाकिस्तान में कोई भी नहीं है। कोई नहीं। अगर मुईन अख्तर साहब के बाद कोई अच्छा मिमिक्री आर्टिस्ट आया है तो वो अली साहब हैं। और मैं बिल्कुल ये कभी भी कर ही नहीं सकता। अली भाई के लिए ताली होनी चाहिए। अली भाई हमारे शो का हिस्सा है, हम बड़ी गुड लक है। अच्छा यासिर भाई, आप सबसे अच्छी कंफर्टेबली मिमिक्री किसकी वैसे कर लेते? एक आवाज मैं थोड़ी बेहतर निकालता था, आप पता नहीं वो आए नहीं आए। क्योंकि मिमिक्री आर्टिस्ट नहीं हो तो मुझे पता नहीं है कहाँ से आती गई। अरे इंस्पेक्टर मुझे एक ही आती, जाकिर नाइक की। क्या मिमिक्री बताओ? ब्रदर आज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा ब्रदर आज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज। अच्छा कोई सवाल किसी ने मुझसे पूछा ना, मैं आईबीए में पढ़ता था, किसी ने पूछा अगर आईबीए में एडमिशन ना हो तो बंदा क्या करे? तो जवाब था, ब्रदर आज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट टू डू इफ यू डोंट गेट इनटू आईबीए? Now, if you look at the book of Test, chapter 2, line 3, page number 8, book of GMAT, chapter 2, line 3, page number 99, they all say, if you don't get into IBA, go to CBA, alhamdulillah. And banda maa kitabe khola jaldi. Kya bolne, kya bolne? Assalamu alaikum, sir. Wa alaikum salam. Sir, kya karte hain aap? Main ek private bus company hai, usme vice president. Are vaah, private bus company, usme aap ek to vice president. To is baat pe naam kya rakha hai aap? बस का नहीं, अपना नाम बस का। अपना नाम साजिद खान बातूर है। साजिद खान बातूर जी। नहीं सर, कोई सवाल है आपके पास? जी यासिर साहब से मेरा सवाल है कि आपने कहा था कि आप बहुत पुरमन हैं और जब भी आप लड़ाई झगड़े पसंद नहीं करते, और जब भी लड़ाई होती है तो फिर आप इकरा के पास जाके उनके पैरों में बैठ जाते हैं। मेरा सवाल ये, एक दिन में आप कितनी बार बैठते हैं पैरों में? पहली बात तो ये कुंवारे लड़के ज्यादा चीखे हैं, इन्हें भी अंदाजा नहीं जिनके पास पैर नहीं है। हाँ, अवेलेबल पैर नहीं है। नहीं, और दूसरी बात ये कि ये अंकल जो हैं ये अपने से कंपेयर करना चाह रहे हैं। हाँ, कि कहीं मैं ज्यादा तो नहीं बैठ रहा, कम में काम हो जाता है और मैं सामा का पूरा पूरा दिन वहां बसे मेरी चल नहीं रही। उसकी फ्यूल इकोनॉमी देखो यासिर की, दो बार बैठता है सारे मसले हल हो जाते हैं। जी मैं वाकई पुरअमन इंसान हूँ और मैं यही समझता हूँ बेहतर होता है कि समझदार इंसान को ना झुक जाना चाहिए। समझदार इंसान को झुक जाना चाहिए, बिल्कुल कोई बुरी बात नहीं है भाई, इसके लिए समझदार आदमी सीधा सड़क पर जा रहे हैं। यार यासिर भाई ने कहा था समझदार आदमी को झुक जाना चाहिए, पीछे आने वाले लोग क्या समझेंगे, पागल है ये तो भाई। सिचुएशन में लड़ाई, सिचुएशन में झुक जाना चाहिए। अच्छा सर, आपकी अपनी पर्सनल शादी हुई हुई है? जी सर। बेगम के पैर भी होंगे जी। तो आपका कुछ उठना बैठना है पैरों में? तो जब झगड़ा होता है, कभी तो होता ही होगा, ऐसा तो नहीं है ना, फरिश्ता तो नहीं लग रहे, तो जब होता है तो सॉरी पहले ये कहते हैं या आप कहती हैं? कोई भी नहीं करता झगड़ा, चलता रहता। नहीं, झगड़ा ही नहीं होता। ये तो झूठ है, ये सच है, ये सच है। अच्छा वैसे होता है कुछ लोगों में कम झगड़ा होता है? कम झगड़ा होता है, कम बहुत, इतना कम होता है कि वो निकल चढ़ने के नहीं होता भाई। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। होना है ना, टोन देख रहे हो कैसी पकड़ी लड़के ने। कॉल सेंटर पे फोन किया मैंने, अर्जेंट फोन के सिग्नल नहीं आ रहे। थोड़ी देर बाद आपके सिग्नल्स बेहतर हो जाएंगे। ये है वही का। क्या हुआ बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? दुनिया मुझे शमून मुमताज के नाम से जानती है और आपका पेटी भाई हूँ।
दुनिया मुझे शमून मुमताज मुमताज के नाम से जानती है। और मेरा पेटी भाई है। हाँ, मतलब कॉमेडियन है वो। अच्छा होस्ट हूँ मैं। अच्छा होस्ट हो, किसी वायरस के होस्ट हो। वायरस का होस्ट होता है इंसान। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी हूँ, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा वेरी नाइस, वेरी गुड। तो कोई सवाल लाए हो शमून? ये सर सवाल तो नहीं है, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप दोनों से, आप दोनों भी होस्ट हैं, कि कोई ऐसी आप एक तहरीक स्टार्ट करें जिसमें हकूक के मेज़बान हो, जिस तरह हकूक के निस्वा होता है ना, मेज़बान हर इंसान की इज्जत करता है लेकिन मेज़बान की कोई तारीफ नहीं करता। मेज़बान को ऐसे ऐसे झूठ बोलने पड़ते हैं, यकीन माने, ऐसी ऐसी बात गेस्ट के बारे में भी कहनी पड़ती है जो उसके घर वाले भी नहीं मान रहे होते गेस्ट के। और मेज़बान बेचारे की कोई तारीफ भी नहीं करता। नहीं बात तो, लेकिन ताबिश की तो बहुत तारीफ होती है। मैं तो करवाता भी हूँ। जी सर, आप तो फिर लेजेंड है ना। मैं फिर क्यों इस तहरीक का हिस्सा ही क्यों बनूंगा जब मेरी तारीफ हो। तुम्हारे लिए काम करूंगा मैं, करूंगा शमून तुम्हारे लिए। मैं तो आवाज बुलंद करूंगा बेटा तुम्हारे लिए, मैं जो जो चीजें बुलंद हो सकी मैं कर दूंगा। सर आवाज याद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मैम आपका? हुमा आसिम। हुमा आसिम, आप देख रहे हैं जियो न्यूज, मैं हूँ हुमा आसिम। तो कोई सवाल लाई हैं या बस आ गई हैं? सवाल भी लाई हूँ, आ भी गई हूँ, फैमिली भी लाई हूँ। इतना इतना फ्री हो गई आप? यस। सवाल भी लाई हूँ, फैमिली भी लाई हूँ, खुद भी आई हूँ। यस। पूछिए ना सवाल। आप दोनों बहुत अच्छे कॉमेडी करते हैं, मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर एक सीन क्रिएट करें, आप दोनों सहेलियाँ बन कॉमेडी करें। भाई एक काम करते हैं, हम दोनों एक सीन बनाते हैं कि हम दोनों सहेलियाँ हैं मगर हम एक ही लड़के को पसंद करते हैं। हाँ ये भी अच्छा है। सही है, ये तो बड़ा ये अच्छा है। और लड़का लड़का क्राउड में मौजूद है, लड़का क्राउड में मौजूद है, मैं लड़का लेकर आ रहा हूँ, सर आइए ना। सर जी इधर बैठे हैं, आप इधर बैठे, एहतियात से सर, बहुत नरम सोफा है। आ वाह, आप वो लड़के हैं जिन पे हम दोनों सहेलियां मरती हैं, ठीक है, और आपका नाम है अशफाक। बल्कि मुझे तो समझे मर चुकी है। मुझे तो सोयम चल रहा है मेरा तो। सर आप सिर्फ, आपने क्या करना है, सिर्फ नखरे आप सिर्फ बैठे हैं और बाकी सब हम काम कर लेंगे। सही है, आपने सुना, मुझे लग नहीं रहा ये सिर्फ बैठेंगे, इन्होंने मेरी बांह फाड़ लेनी है। अच्छा हम सहेलियां, सीन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सीन अशफाक, अशफाक अशफाक वे शाके मर जाने, तू तो दोवें हाथ पा लिया। कैपेसिटी के हिसाब से चलो अशफाक, कैपेसिटी में रहो, कैपेसिटी के हिसाब से चलो, ओवर चार्जिंग हो गई तो ब्लास्ट हो जाएगा। चार जायज हैं, अभी तो दो ही बोल गए हो। जिसकी बाँह बार बार पड़ी आपने, तुम्हारी हंसी निकले जा रही है, कबूल है कब निकलेगा? आपके हुजूर एक शेर अर्ज कर रहा हूँ। छोड़ दो, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना अशफाक, अशफाक उनादे ऐसे नहीं बैठे, उनादे बूट देखो। अशफाक मेरे, अशफाक मेरे बूट देखो, इन दिन हल्के ने मिल देने, सुनो ओदे बूट पे मेरा बूटा। मेरी सदा है मुकैयत तेरी पाजेब में, चलेगी तू तो बिखरेगी गुफ्तगु की तरह। अशफाक, अशफाक ये तो मिर्ज़ा अशफाकुल्लाह ग़ालिब ने कहा, बात बात अशफाक तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे हो और मेरे हो। अशफाक मैं इस पे राजी हूँ, राजी हूँ और राजी। चल चलिए आ जा जी, आ जा अशफाक सर, थैंक यू। काजी हज़रात इतने पुर जोश लम्हात के बाद एक ब्रेक यासिर भाई बनती बिल्कुल, है बिल्कुल बिल्कुल, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मना कहीं नहीं जाएगा, खुदा की कसम कहीं नहीं जाएगा। सेंसर में भी जाते हैं तो आपको लाइसेंस मिलता है ना कि इस उम्र के बच्चे देख सकते हैं, इस उम्र के नहीं बिल्कुल, देख सकते, हाँ, रेटिंग में होता है, ये रेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे तो वो कहते हैं जी काट दो, बीप लगा दो, अब बीप जब लग जाती है ना तो इंसान को ज्यादा समझ आने लगती है, कुछ है यहाँ पर, कुछ है यहाँ पर, ये ब्लर वाला जो चक्कर है ना ये खराब है। वो याद है बचपन में उमर शरीफ साहब के ड्रामों में वो एक मिथ थी कि मलमल का दुपट्टा ब्लर वाले इमेज पे देखो तो इमेज सही नजर आ जाता है, कितने मलमल के दुपट्टे मैंने गाए। तो
यासिर आजाद मेरे साथ मौजूद है, यासिर हुसैन, और आप देख रहे हैं असलाम बनाए। यासिर भाई, वक्त आ चुका है कि हम गेम खेलें। गेम का नाम है या मतलब चॉइसेस दी जाएंगी, या तो ये या तो वो। दो तस्वीरें आपके सामने आएंगी एलिमिनेशन प्रोसेस के थ्रू, आखिर में एक विनर चूज किया जाएगा। सिचुएशन ये है कि आपको एक हॉन्टेड हाउस में जाना है। हॉन्टेड हाउस में आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है कि आप इसके थ्रू सेलेक्ट करें कि आपके साथ 24 घंटे उस हॉन्टेड हाउस में कौन रहेगा। सिंपल सी इक्वेशन है, आइए देखते हैं कि पहले दो ऑप्शंस क्या है। एक ही फैमिली के दो लड़के, शहरोज सब्जवारी और शहजाद शेख। आई थिंक शहजाद शेख, उससे मेरी अच्छी दोस्ती है। हाँ, उनकी सबसे अच्छी दोस्ती है, मेरी भी बहुत अच्छी दोस्ती। अच्छा, शहजाद शेख को रखेंगे। मिलनसार लड़का। हाँ जी, शहजाद शेख। शहरोज बिजी भी तो है, शहरोज बिजी भी तो रहते हैं। शेखों की दुनिया में खो चुके हैं हम लोग। आई थिंक शेख रशीद साहब, वो क्योंकि हॉन्टेड हाउस है, हो सकता है इनको देख के डर जाए। इनको जान पहचान निकला है। शेख रशीद को रखेंगे, शहजाद भाई को जाने देंगे, आयशा और आई थिंक आयशा काफी मजबूत दिल की खातून है, वो संभाल लेंगे। मजबूत दिल की खातून है, बिल्कुल भूतपूर्व निपटा देंगे। शेख साहब को जाने देंगे, आयशा को रहने देंगे, सबा और आयशा। सबा और आयशा, सबा भी मजबूत दिल की है, काफी मजबूत खातून है, बिल्कुल। तो मैं फिर आयशा को जाने दूंगा। और आयशा बिजी भी है आजकल, फिटनेस पे काफी ध्यान है, बहुत ज्यादा। सभा को रोकते हैं। सभा आप रुकिएगा, आयशा प्लीज मैं आपको देखती हूं। आपके फेवरेट अर्तुगरुल को लेके जाना है एज अ कैरेक्टर। आई थिंक मैं सभा के साथ ही जाऊंगा। हाँ, हॉन्टेड हाउस है, उसके कपड़े भी मुनासिब नहीं अर्तुगरुल के यार। फंस गए आग वाग में, लग गए, अटक गए नीजों में, अटक गए फंस। सारे भूत मार दिए तो फिर फायदा क्या रहेगा हॉन्टेड हाउस का? हॉन्टेड हाउस का हाँ, सुना सुना लगेगा, ऐसा लगेगा किसी का साया है इस पे। हटाओ भाई। ओए होए, आई थिंक हुमायूं सईद के साथ जाऊं। जब हर जगह वो हैं तो हॉन्टेड हाउस में क्यों ना हो, एक ये भी बात है। दूसरा, चुड़ैल एंटरटेन क्यों ना हो। चुड़ैल एंटरटेन उनको भी फायदा होना चाहिए, जो सदियों से बेचारी फिल्म बना देंगे, हॉन्टेड हाउस भी जाऊंगा। हुमायूं भाई को रोके, सब हानिया को मत ले जाएं। हानिया को नहीं लेके जाऊंगा मैं हुमायूं के साथ। हानिया छोटी हैं, अभी डर जाएंगी, ये खुद डर जाएंगी, मुझे भी डरा देंगे। अब फाइनल है, फाइनल आ रहा है, फाइनल तस्वीर आ रही है। हानिया को जाने देना बेटा, हुमायूं ले जाओ, हो सकता है इनकी बातचीत हो पहले से। मैं नवाज शरीफ साहब के साथ जाना चाहूंगा। जाएंगे आप इनके साथ? इसलिए क्योंकि उस बहाने ये पाकिस्तान आ जाएंगे। हाँ वाह, तो भाई विनर दिखाइए एज यूजुअल, नवाज शरीफ। नवाज शरीफ साहब, यासिर भाई, चुड़ैल हैं और जिन, कॉम्बिनेशन बनाए, काबीना का इजलास हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। कुछ तो पुराने लोग होंगे। यासिर भाई, आपने कहा कि यार मैं पूरी इंडस्ट्री में सब मुनाफिक हैं, एक इंटरव्यू में आपने कहा मुनाफिक हैं, कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है, आपको लगता है कि लोग मुंह पे कुछ है उस पे कुछ है? जब वो बात हुई थी ना अर्तुगरुल वाली, एक कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। जी जी, आपने कहा था टर्किश ड्रामे में, मेरी स्टेटमेंट थी उसको कॉन्ट्रोवर्सी, मैंने तो नहीं बनाया, बाकियों ने बना दिया। तो मेरा उस वक्त बड़ा क्लियर स्टांस था कि भाई पाकिस्तान में पहली बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है, बहुत कम अभी जैसे आप एक शो कर रहे हो, ये आई थिंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा शो है। थैंक यू। ठीक है, अभी इस शो में चार पैसे भी आप कमा रहे हो, ठीक है, ज्यादा ही कमा रहे हो वैसे तो, लेकिन चार पैसा मिलता है मेरे को एक एपिसोड। तो अब कोई बाहर से एक एक्टर आ जाए और ये शो पकड़ ले, सही है, हटेगी, बहुत हटेगी मेरी, हटेगी आपकी, बहुत हटेगी। और ना सिर्फ हटेगी, आप हटेंगे, आपका रिस्क भी चला जाएगा, ठीक हो गया, खत्म, फिर आप कोई और किसी और छोटे शो में चले जाएंगे, टाइप सीन हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है, आपके मुल्क का पैसा भी बाहर जा रहा है और आपको काम भी नहीं मिल रहा। मेरा सिर्फ ये था कि अगर ताबिश हाशमी की जगह कोई और होस्ट आता है बाहर से, तो ताबिश हाशमी को भी बाहर के होस्ट बनना चाहिए, होस्ट बनना चाहिए, वहां पे चांस मिलना चाहिए, बराबरी की सतह पे चीज होनी चाहिए। तो वो सब मुझे पूरी इंडस्ट्री की खवातीन ने कॉल की, ये तो अच्छा लगा, उन्होंने कहा तुमने बहुत सही बात की है, मगर किसी ने भी सामने नहीं कहा कि तुमने बहुत सही बात की। तो यासिर भाई, लेट्स एड्रेस दी इकबाल इन द रूम प्लीज, मशहूर इकबाल, इकबाल का कोई शेर सुनाए। इकबाल का कोई नहीं, तेरा नशेमंद कसर सुल्तानी के गुंबद पर, हाँ, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चटानों पर। वाह, ये तो इकबाल का वो शेर है खुदी वाला, और ये जो हम सबको आता है। मगर मैं बात वाकई में करना चाह रहा हूँ इकबाल द मूवी, जावेद इकबाल द मूवी, एक आइकॉनिक मूवी, यासिर भाई पूरी दुनिया ने रिकग्नाइज किया आपका काम, मूवी सब कुछ रिकग्नाइज हो चुका है। शायद आपको अब ये वो भी ना हो सैडनेस के, यार मेरे मुल्क में होगी, मगर रिकग्निशन की आपको भूख ना होगी। नहीं, मुझे नहीं है, उसकी वजह है कि मैं जिस दिन लाहौर कराची प्रीमियर से निकला था, तो मैं अगले दिन सुबह लाहौर के लिए जा रहा था प्रीमियर के लिए, ठीक है, तो एयरपोर्ट के रास्ते में मुझे फ़ोन आया कि बैन हो गई है फिल्म, तो वापस चले जाएँ। तो उस वक्त जो मुझे दुख हुआ था, फिर दोबारा वो उस लेवल का दुख हो नहीं पा रहा, हो नहीं पा रहा, इंशाल्लाह अल्लाह करे ना हो। पूछना मैं ये चाह रहा हूँ कि जॉयलैंड भी अभी रिलीज हुई, काट पीट के रिलीज हो गई रिलीज,
जावेद इकबाल तो एक बायोपिक थी, उसमें ऐसा क्या था कि वो रिलीज नहीं कर पा रहे? हमने तो उस मैं वो बचपन से मैं जानता हूँ कि वो, मैंने खबर पढ़ी थी जब वो अखबार में आई थी, मेरे पास उसकी वो हैं, वो तस्वीरें भी अखबार में आई थी बच्चों की, जूतों की और कपड़ों की। और मुझे ये भी याद है कि लाहौर में जंग का ही दफ्तर था जहाँ पे आके उसने सरेंडर किया था, ये सब मुझे मेरी मेमोरीज में। लेकिन वो किस्सा तो अखबारों में था, खबरों में था, जब फिल्म बनी उसके ऊपर तो बैन हो गई, तो कोई खास वजह तो रही होगी। उस फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि उसे बैन किया जाए सिवाय उस टॉपिक के। आई थिंक गवर्नमेंट बताना नहीं चाहती ये बात खुल के पूरी दुनिया को कि क्या हुआ था, चाइल्ड अब्यूज पाकिस्तान में होता है, बताना नहीं चाह रही है, या लोग मरते हैं, या आई डोंट नो ये छुपाने की क्या रीजन है। जावेद इकबाल एक फिल्म है, और फिल्म में कि क्यों आप, फिल्म तो है ही, आप सेंसर में भी जाते हैं तो आपको लाइसेंस मिलता है ना कि इस उम्र के बच्चे देख सकते हैं, इस उम्र के नहीं देख सकते, रेटिंग में होता है, ठीक है, रेटिंग सिस्टम होता है। यहाँ पे तो वो कहते हैं जी काट दो, बीप लगा दो। अब बीप जब लग जाती है ना तो इंसान को ज्यादा समझ आने लगती है, वो कुछ है यहाँ पर, कुछ है यहाँ पर, ये ब्लर वाला जो चक्कर है ना ये खराब है। वो याद है बचपन में उमर शरीफ साहब के ड्रामों में वो एक मिथ थी कि मलमल का दुपट्टा ब्लर वाले इमेज पे देखो तो इमेज सही नजर आ जाता है। हाँ। कितने मलमल के दुपट्टे मैंने जाये किए। यासिर भाई आज हमारे साथ सेंसर बोर्ड के चेयरमैन मौजूद हैं, सब पे नजर, हर फिल्म पे नजर है इनकी। ये वो आदमी है जो देख कर काट देते हैं, दूसरों को नहीं देखने देते। आपकी भरपूर तालियों में नजर चौधरी। थैंक यू वेरी मच ताबिश मियां। भाई आपका प्रोग्राम तो अच्छा है, लेकिन बसद एहतराम थोड़ा सा एतराज आपके लिबास के ऊपर करूंगा। अगर अंग्रेजी टच के बजाय आप थोड़ा हमारी मशरकी रवायात के मुताबिक कोई अचकन और कोई चूड़ीदार पायजामा वगैरह पहनकर मेज़बानी भी इस अंदाज में करते कि खातीनों हजरात ताबिश हाशमी आपके मनपसंद प्रोग्राम कह कहे लगाना ममनू है के साथ हाजिर, तो इसका कुछ और ही इम्पैक्ट होता। लेकिन आपने गोरों की आपने उनको फॉलो करते हुए जो तरीका बनाया, जोर बजाएगा ये फिर काफी मुझे नाजेबा लगा है। वो आपके कपड़ों में बात कर रहे हैं जैसे खुद उन्होंने धोती बांधी गले में नाड़ा है उनके, खुद जैसे उन्होंने आड़ा पजामा मुंह पे पहन रखा है। भाई बात सुने मेरी, अपना ये जो जो माशरे की बुराइयां हैं अगर कोई फिल्म में दिखा रहा है तो आप उसे बैन क्यों कर देते हैं नजर? भाई भाई माशरे के अंदर तो बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो बन रही हैं, लोगों ने अपने तो रैम्स भर दिए हैं पूरे के पूरे, तो क्या हम वो बड़े बड़े लोगों की जो फिल्में बन रही हैं वो दिखाएं? नहीं, उसके लिए आपको हमारी लाश से गुजरना होगा, कम अज कम मेरी लाश से। कहाँ पड़ी है ये, मैं गुजरूंगा। जब फिल्म बैन हो जाती है लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं, मशहूर हो जाती है, फिर आप रिलीज कर देते हैं। देखिए वो तो होता ये है कि एक नाजेबा चीज को इज्तमाई तौर पर दिखने से रोकना होता यूं है कि जब छोटी छोटी चीज वो बड़ी स्क्रीन पे लगेगी तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें हो जाएंगी। नाजेबा लगेगा वो। ये जेबा और नाजेबा में फर्क कैसे करते हैं आप? भाई ये मैं आपको समझा देता हूँ ताबिश मियां, ये ऐसे है कि जैसे अगर कोई खातून आपके पास आकर ये कहती है विताबिशा मैं तेरी पक्की मशूक हूं लुट ले आज बहार, और आपके दिल में खुदबुद होता है और आप उनका पल्लू टटोलना शुरू कर देते हैं, तो ये फहाशी है। आप अगर वो जो कह रही है लुट ले आज बहार, वो आपको कहे और आप उसका पर्स लूट के भाग जाएं, ये फहाशी नहीं। अच्छा मेरी नजर भाई बता दो, सेंसर बोर्ड से क्लियरेंस कैसे मिलती है? सिर्फ ये साफ साफ बताओ जल्दी जल्दी। चेक से। किससे? चेक से। चेक एंड बैलेंस। अगर डायरेक्टर चेक एंड बैलेंस रखेगा तो क्लियरेंस मिल जाएगी। नाजेबा कपड़े ना हो, फाशी ना हो और चेक एंड बैलेंस रखें तब फिल्म रिलीज हो जाएगी। और वायलेंस भी ना हो। वायलेंस भी ना हो। हाँ हो, जरूर हो, दिखाएं बेशक हमारे मुआशरे का हिस्सा है, लेकिन अगर आपने खून दिखाना है तो एक लीटर से ज्यादा खून नहीं होना चाहिए। अगर एक कतरा भी एक लीटर से ज्यादा हुआ मेरी लाश पर से गुजरना होगा। ये सारी चीजें अगर होंगी, वायलेंस फहाश ये सब चीजें जो आप बता रही होंगी तो फिल्म रिलीज हो जाएगी? नहीं होगी। हाँ यस आपने ठीक कहा, बस एक चीज का आपने और ख्याल रखना है, पप्पू टम्पू टीपू टीटू स्वीटी और पिंकी, हाँ ये मेरे बच्चों के नाम हैं, ये नाम इस्तेमाल हुए तो फिल्म बैन हो जाएगी। हाँ और मुश्ताक भी, मुश्ताक भी। मुश्ताक क्यों? मुश्ताक मेरे अब्बा का नाम है, सेंसर बोर्ड में हुआ करते थे, फिल्म देख रहे थे, ब्लड प्रेशर शूट हो गया तो शूट हो गया। फिल्म थी जो आपके अब्बा ने देखी थी? मैं भाई वो बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी, वो फिल्म थी, मैंने फिर उसका नाम चेंज करवा दिया था, वो फिल्म थी एक गुजर ते सौ बदमाश। आप भी क्यों नहीं देख लेते टाइम निकाल के? नहीं नहीं नहीं, मैंने फिर उसका नाम बदलवा दिया। क्या नाम रखा? नाम रखा मंजी एक ते जवानियां दो। मंजी मतलब
चारपाई, तो उसके बाद फिर स्टोरी वही थी। नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है ताबिश, मैं कोई बात बगैर सोचे समझे करता नहीं हूँ भाई, मैंने बाकायदा कोर्स किया है। अच्छा। कट करने का, मैं बाकायदा बार्बर शॉप पे पप्पू की दुकान से कट लगाने की प्रैक्टिस की। ये चीजों का ख्याल रखें तो फिल्म चलेगी। चल हाँ हाँ चलेगी, चले हाँ चलो चलो आ जाओ भाई, मेरी स्टिक कहाँ है? हाँ चले तो कट ही जा, खुद अंधा है आदमी यार। तालियां बजाइएगा खवातीन। खवातीन आजाद, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक लीजिए, वापस आइए, हंसना मनाए, कहीं नहीं जाए। एक मर्डर मिस्ट्री है जो टीवी पे नहीं नजर आती। मैंने क्लिप्स देखी उसकी। हाँ जी, उसका नाम है एक थी लैला, और लैला का कैरेक्टर इकरा ने किया है। उसमें मैं भी एक पुलिस वाले का कैरेक्टर कर रहा हूँ, और मैंने डायरेक्ट किया है वो। वाह, और फैसल कुरैशी साहब भी। सीआईडी की तरह तो नहीं है, सीआईडी की तरह तो नहीं है, पता ही नहीं होगा। पता करो, कह रहे जरा पता करो, सब वो बात पता कर रहे हैं, तू क्यों आया फिर? पता करो इसकी सांस क्यों नहीं आ रही, लगता है ये मर गया है। जरा पता करो मेरे घर में कौन है, पता करो यार। हम एक गेम खेलने जा रहे हैं, इसका नाम है बचाओ। बचाओ एक ऐसा गेम है जिसमें एक टाइमर लगा होगा एक मिनट का, उस एक मिनट के अंदर आपने जो है तीन सवालों के जवाब देने हैं। एक आपके करीब की एक शख्सियत होंगी, वो एक क्लिफ के नीचे खड़ी है, अगर वो आपने एक मिनट के अंदर तीन सवालों के जवाब नहीं दिए तो वो पत्थर उनके ऊपर गिर जाएगा, क्रश हो जाएंगे। आपने कोशिश करनी हो तीन सवालों के एक मिनट में जवाब दे दें। आसान से सवाल हैं, आपको आते होंगे। दिखाइए कौन है आज क्लिफ के नीचे। ये तो इकरा है, बचा लेंगे मुझे पता है, यकीनन बचा लेंगे। पहला सवाल, दुनिया के पांच वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है तो ना, उनमें से पांच के नाम बता दें। आईफिल टावर है, अब नहीं है हाँ। पिरामिड्स हैं और अरे यार ताजमहल अब नहीं है। अरे मैं मुझसे पुराना है। ताजमहल हो गया, दो जल्दी तो फिर आईफिल टावर भी हो गया ना। चल चाल ले, तीन हो गए। अच्छा और क्या है, फैसल मॉस्क है क्या? नहीं नहीं अरे भाई नहीं, हमारा कुछ भी नहीं है। अरे यार ये नहीं मुझे आता ही कुछ तो एक में देता हूँ, अमेरिका में एक है, अमेरिका में अभी आप गए थे यार, नॉर्थ अमेरिका। हाँ। चाइना का मशहूर एक। अच्छा हाँ, ये जो टावर जो है कनाडा वाला नहीं, अमेरिका में कैनियन, ग्रैंड कैनियन। अच्छा हाँ, अब आखिरी बताओ, आखिरी जल्दी से। चाइना में एक है, चाइना में बहुत लंबी चले वॉल ऑफ चाइना हो गया। शुक्र, बचा रोको। अरे नहीं रोका, आगे चला गया, बहुत इतनी हेल्प कर दी, अब ये भी शिकायत है कि रोका नहीं। सवाल यार बहुत मुश्किल थे, अगला सवाल आसान है, जल्दी जल्दी निकालना है, इसमें मैं हेल्प ही करूंगा। कराची के 10 इलाकों के नाम, पहले छोड़े 7 इलाकों के नाम बता दें। नाजमाबाद, औरंगी टाउन, औरंगी के साथ मिला के एक और, नीपा, नीपा, गुलशन, गुलिस्तान जौहर, कुरंगी, आखिरी लांडी। बस हो गए सात। रोक रोक रोक, 15 सेकंड रह गए, और को 25 का नाम पूछ लेना आप। नहीं नहीं, ये मुझे 25 चीजों के नाम बताएं भाई। काउंटिंग स्टार्ट होनी चाहिए, अगर करीब आ जाए शोर और शराबा, थ्रिल क्रिएट होगा। आखिरी सवाल, पाकिस्तान की शोबिज इंडस्ट्री के किसी भी 6 बहनों की जोड़ी के नाम। बहनों की जोड़ी? हाँ बहुत है, उर्वा मावरा, हाँ, और वो क्या नाम है उसका, एमन मिनाल और सबूर सजल। बस हो गया ना, 6। सारा खान, नूर खान, सनम बलोच, सबरीन हिजबानी, हिना जावेद, सना जावेद, सारा खान, नूर खान, मैंने बता दिए थे ना, बुशरा अंसारी, आमना अब्बास। कितनी बहनें हैं यार? अस्मा अब्बास हाँ, कितनी सारी यार। ये गलत हो गया यार, मेरी बीवी तो घर जाके मुझे कूटेगी यार। किसी पत्थर से खातिर आजाद, वक्त हुआ है अगले गेम का। गेम का नाम है नजर बंद। यासिर भाई, इसमें हम आपको ब्लाइंड फोल्ड पहनाते हैं, कूल जेल भरा हुआ है, आंखें ठंडी हो जाएंगी माशाल्लाह। फिर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट आएगा, आपने ऑब्जेक्ट गेस करना है जस्ट बाय आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट इट। ठीक है, कसौटी जैसा है, इसमें आप देख नहीं सकेंगे उसको, जाहिर बात है। वाओ, यासिर भाई पहने ब्लाइंड फोल्ड, चश्मे भी पहन लो यार, उतार देना चश्मा है। अच्छा चश्मा, मैं पहन के देखता हूँ यासिर हुसैन लगता हूँ कि नहीं। आप ज्यादा बेहतर लगे। एक सेकंड, चश्मा पहन के दिल चाह रहा है दो इंस्टा पे स्टोरियां लगा दूं, तख्त वाली, बहुत भारी है भाई यासिर भाई। चश्मा उतारोगे तो पता चलेगा फिर। आपकी तो लगता है करीब और दूर दोनों नजरें गंदी हैं। चलो भाई ऑब्जेक्ट लगाइए यासिर भाई। ये ऐसा है कि काफी लड़कों का इसमें एक्सपीरियंस है। ओके, ये बस अब सवाल पूछें क्या है। काफी लड़कों का इसमें एक्सपीरियंस है। हाँ, ये हाथों में होते हैं, उनके हाथ में होते हैं। गेम है
गेम में, गेम नहीं है ये, गेम में इस्तेमाल होने वाली चीज है, इसे गेम भी खेला जाता है, इसे गेम भी खेला जाता है, भी खेला जाता है। अक्सर कराची में ना जो जार्गन्स हैं, जार्गन्स, खूबसूरत लड़की को देखकर अक्सर लोग कहते हैं बड़ी है, फिट है, नहीं। आप सवाल पूछो, सवाल पूछो। अच्छा, हिंटो में नहीं खोवा। क्या ये इससे कोई गेम खेली जा सकती है? जी जी। ये किसी स्पेसिफिक गेम की चीज है या कोई भी गेम खेली जा? जी जी, स्पेसिफिक गेम। अच्छा, ये वुडन है? नहीं, वुडन नहीं है। नहीं, कपड़े की है? नहीं। ये कपड़े की नहीं बनी, ये हाथों में पहनते हैं? नहीं, हाथों में लेते। ओके, ये हाथों में लेते हैं और लड़कों का बहुत एक्सपीरियंस है। ये बातें तो सारे एक ही तरफ ले जा रही है, एक ही तरफ। माशाल्लाह, ये तो मेरा जहन भी तुम्हारी तरह गंदा हो रहा है। और अक्सर इनसे, इनको इस्तेमाल करते हुए उंगली इस्तेमाल करते हैं। ग्लव्स? नहीं ना, ग्लव्स कौन से गेम में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कपड़े के बने होते हैं भाई वो, आपने पूछ लिया। उंगली का इस्तेमाल करते हैं बहुत, पहनने के लिए, पकड़ने के लिए, इसको पकड़ने के लिए और इसको मारने के लिए भी उंगली का इस्तेमाल करते हैं। ये बॉल तो नहीं है? है बॉल, शेप बड़ी बॉल है। थोड़ा करीब लाएं अपने हाथों को, और करीब लाएं, और करीब लाएं, लाते रहें, लाते रहें, थोड़ा छोटा करें हाथ, और छोटे करें, अलग अलग कर लें हाथ, और छोटे करते रहें, मजीद छोटे। कंचे? राया सर भाई, यही तो देखे, कोई हिंट ऐसी थी जो ना कनेक्ट होती हो? हाँ नहीं, कोई भी ऐसी हिंट। बिलाज में बदनामे जमाना घूम रहा हूँ। मैंने कभी कोई ऐसी चीज नहीं की। नहीं, माशाल्लाह, आपका तो जहन बाकी बहुत साफ है और आपको स्पॉन्सर भी ठीक मिला, बिल्कुल साफ। अच्छा यासिर भाई, आप क्योंकि शो इख्तिताम पर है और आवाम के चेहरों पर भी ये सवाल नहीं है जो मैं पूछने वाला हूँ, ये सवाल ऑन अ सीरियस, वेरी सीरियस नोट, आपने बहुत बड़ी बड़ी फिल्म की हैं, थिएटर बहुत अच्छे किए हैं, होस्ट किए हैं शोज, ड्रामे किए हैं, क्या ऐसा प्रोजेक्ट था, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट था जो इम्पैक्ट छोड़ गया आपकी लाइफ पर? इम्पैक्ट छोड़ गया, आई थिंक जावेद इकबाल। जावेद इकबाल, जावेद इकबाल करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो कितनी सीरियस बात थी और वो कितना सीरियस मैटर था जिसको उतना सीरियसली नहीं लिया गया हमारे मुल्क में, और आज भी नहीं लिया जा रहा, क्योंकि जब चीज़ों को सीरियस लिया जाता है तो उसके बारे में बात की जाती है, exactly. आगे बढ़ा जाता है, उससे सबक सीखा जाता है। अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा तो इसका मतलब हम इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेते, नहीं ले, हम जो भी कानून साजी करते हैं या कुछ भी नए लॉज बनते हैं वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होते क्योंकि उनको सीरियसली लिया नहीं जाता। आई थिंक यहाँ बहुत सारी यूथ बैठी है, मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा और मुझे पता भी है कि अब जो यूथ आ रही है वो उस तरह से नहीं, वो हम जैसे नहीं, हम डरपोक थे। हाँ, हम जो बिल्कुल हमारे सामने मोबाइल फोन आया ना, हाँ। जो हमने वो सारा चेंज देखा, हमने सब ट्रांजिशंस देखी, बिल्कुल देखी, हम फिर भी डरपोक थे, ये लोग बड़े निडर हैं और ये इनके दौर में ऐसा नहीं होगा, इनके दौर में चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज होंगी, मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है इनसे, ये इंडस्ट्री को भी बहुत बेहतर करेंगे और चीज़ों को बहुत बेहतर करेंगे। वेरी नाइस यासिर भाई, क्विक क्वेश्चंस। एक तो पहली बात ये, पाकिस्तान में सब क्लेम करते हैं बड़े राइटर बढ़िया हैं, एक्टर कमाल हैं, डायरेक्शन प्रोडक्शन बहुत टैलेंट है, मगर कोई अच्छी वेब सीरीज नहीं बना पा रहा, अच्छी मिनी सीरीज वेब सीरीज पे जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे, वो क्यों नहीं बनती? एक तो हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं है। हाँ, हमारे पास नहीं। दूसरी बात, OTT पे जो वेब सीरीज होती है, वेब सीरीज फिल्म के बहुत करीब होती है। हाँ। और उस वो सिर्फ वो जो कुर्बत है ना, वो उस टैलेंट से, उस तरह की स्टोरीज से, उस तरह के कॉन्टेंट से और उस तरह की फिल्म मेकिंग जो टेक्निक है उससे होती है। ऐसा नहीं है कि आप टीवी के ही सारे लोग लेकर और टीवी के ही कैमरे पे आप वेब सीरीज़ बना देंगे। तो हमारे यहाँ जो भी वेब सीरीज़ बन रही है वो टीवी वाले कैमरे पे ही बन रही है और उन्हीं लोगों से उसी तरह की स्टोरीज़ बना, ड्रामा ही लगता है वो टीवी का, ड्रामा ही लगता है, ज़ाहिर है उसमें फिर फ़र्क नज़र नहीं आएगा। और दूसरी बात यह कि OTT हमारे यहाँ है नहीं, जो बाहर के हैं वो हमें काम नहीं कर रहे। हाँ जी, लेकिन मैंने भी एक मिनी सीरीज़ बनाई है, 6 एपिसोडर है वो, पाकिस्तान टेलीविजन पे पहली दफ़ा 6 एपिसोड्स की कोई चीज़ टीवी पे आएगी? नहीं जी नहीं, वो एक्सप्रेस टीवी पे आएगी और ये बड़ा क्रेडिट जाता है उनको, और ये मैं जियो पे इसलिए कह रहा हूँ एक और चैनल का नाम, क्योंकि मुझे पता है बहुत बड़ा चैनल है, इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा नहीं, नहीं, किसी और का नाम चलाने में, लेकिन वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है, एक मर्डर मिस्ट्री है जो टीवी पे नहीं नज़र आती। मैंने क्लिप्स देखे हैं उसके। हाँ जी, उसका नाम है एक थी लैला और लैला का कैरेक्टर इकरा ने किया है, उसमें मैं भी एक पुलिस वाले का कैरेक्टर कर रहा हूँ और मैंने डायरेक्ट किया है वो। वाह यासिर, और फैसल कुरैशी साहब भी। सीआईडी की तरह तो नहीं है? सीआईडी की तरह तो नहीं है, पता ही नहीं था। पता करो, कह रहे जरा पता करो, सब वो बात पता कर रहे हैं, तू क्यों आया फिर? पता करो, इसकी सांस क्यों नहीं आ रही, लगता है ये मर गया है। जरा पता करो मेरे घर में कौन है, पता करो यार।
बहादुर आजाद हंसना मनाए अपने काम को पहुंच गया, मगर आपको पता है जाने से पहले मैं यहाँ से भाई कमाल की बात करता हूँ। मदर टेरेसा का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। उन्होंने कहा कि जो कुछ मुझे आता है वो तुम्हें नहीं आता, जो कुछ तुम्हें आता है वो मुझे नहीं आता, तो आओ मिलकर कुछ ऐसा करें जो किसी को नहीं आता। तो बहादुर आजाद ऐसा है कि दुनिया जो है आज तक, दुनिया की जो ग्रोथ है वो आज तक कोलैबोरेशन और कोऑपरेशन से चली है यासिर भाई। अगर आप किसी अच्छे आदमी की या किसी बढ़ते हुए ऊपर जाते हुए आदमी की टांगें खींचकर ऊपर आना चाहते हैं तो ये कभी हो नहीं पाएगा। तो कोशिश कीजिए कि आपके अंदर जो कमी है वो दूसरों के साथ कोलैबोरेट करके कोऑपरेशन के जरिए वो कमी पूरी करें, ताकि दूसरे और आप मिलकर कुछ ऐसा कर सकें जो दुनिया में नहीं हो रहा है। 11:55 बज रहे हैं, फिलहाल आप सोएंगे, सुबह उठेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।